गाइस वेलकम अनवाल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं एमसीएस 013 का, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स है सेकंड सेमेस्टर का। और ये बीसीए में भी सब्जेक्ट हो रहा है, ये एमसीए में भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 12th का पेपर होता है आप, जिसमें आपको वन नंबर कंपलसरी होता है, बाकी 3 अटैम्प करने होते हैं और एक छोड़ना होता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके पेपर के इंट्रोडक्शंस, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है, ये क्वेश्चन पेपर है आपके जून 2021 का, जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है, जून जून 2021 का, अगर सितंबर में वो ये पेपर है। बहुत लोग के डिमांड थे कि जो जून 2021 के क्वेश्चन पेपर को प्लीज़ लाओ, और इस वीडियो में आपको आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एंड अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है। वन नंबर क्वेश्चन में आपको ट्रुथ कंजक्शन को पूछता है, जो कि आप पढ़े होंगे अपने बुक में। अगर आप सबको ये सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है, सो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से ये क्वेश्चन होता है, जो आपका है ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है आपका। ये सबके आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ। सी नंबर है ये फंक्शन रिलेशंस से, सेट और रिलेशन से क्वेश्चन है, जो कि आपको फंक्शन बताना होता है कि आर क्या आर के इक्वल है और नहीं, ठीक है। एंड इसमें आपको ट्रुथ टेबल शो करना होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल सॉल्व करना होता है और इस दोनों में बताना होता है कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, मतलब जो जो आपका लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा वो TTFF जैसा जो होता है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं, ऑब्वियसली सेम होता ही है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ई नंबर में और एफ में भी है, फाइंड द नंबर ऑफ द पे प्लेसिंग एन पीपल इन एन वन रूम, नो रूम्स बीइंग एम्प्टी, ठीक है। प्लेसिंग करना है एक नंबर रूम एन माइनस रूम में जिसमें पीपल हैं एन, एंड किसी भी रूम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ब्लॉक टू के में लास्ट वाले कॉम्बिनेशंस में है। आपसे पूछता है क्वेश्चन, डिफिनेशन वाले क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं कि इंटीजर क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है। ये बुलियन ऑब्जर्वर वाले बहुत सारे, मैंने जब ऑनलाइन क्लास लिया था 6 मंथ पहले, तो मैंने ये सारा चीज़ बताया रखा था कि कैसे फाइंड आउट करना होता है बुलियन एक्सप्रेशंस, सारे मैंने क्लास ले रखे थे, ठीक है। एंड वो सारे क्लास पेड थे। अगर आप लोग अपने क्लासेस लेना चाहते हैं मेरे से तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ की क्लासेस चाहिए, आपको पर्सनली अटेंड कराई जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें आपको बताना था रिलेशन कि ये रिजल्ट इसका क्या है, और इसमें क्या करना है कि आपको ये डायग्राम बता के शो करना है कि व्हाट इज़ दैट, क्या होगा जब उसके बाद वो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन सॉल्व करना सीख लेना, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में पूछते ही। इसमें भी आपको पूछ रहा है कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं, ये प्रूव द, ये आप तो लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हो, रिलेशन और रिलेशन है या नहीं, इरेशनल और रेशनल है या नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ रिलेशन, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है कि व्हाट इज़ रिलेशन, या एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं डिफिनीशन तरीके से कि क्या है, ठीक है। सो यही है आपके क्वेश्चन। अब मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपके आंसर्स को, जो कि यहाँ पर है सारा सॉल्व, मैंने पीडीएफ एक रेडी करा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व के, जो कि एकदम मैचेबल क्वेश्चन है। दो तीन ईयर के क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करते हैं,
जो भी जैसे अपकमिंग वाले जो होते हैं ईयर्स, ठीक है, तो एक दूसरे से मैचेबल हैं, तो आप लोग जितने सॉल्यूशन है आप लोग प्रोवाइड मैंने कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। एक नहीं, दो दो मैंने PDF सॉल्यूशन के डाउनलोड करवाए हैं। एंड अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सर्किट बनाने को कहा गया था और सिंपलीफाई करना है। जैसे कि आपको अभी सो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, तो आप इस तरीके से देख के कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप एग्ज़ाम अपना अच्छे से देना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, एटलीस्ट 3 बार 3 बार पढ़ो अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, मैंने 7 ईयर के क्वेश्चन पे इसको जाके सॉल्व किया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो ये सब भी सॉल्यूशन है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये 136 पेज का सॉल्यूशन है, तो आप सोच सकते हो कि टोटल का टोटल सॉल्यूशन पूरा बुक सॉल्यूशन किया गया है ये इस पेपर में, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इस पेपर के लिए सजेशन ये दूंगी कि आपका दोनों ब्लॉक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास आउट होना है तो आप ब्लॉक 2 जरूर करके जाना, और ब्लॉक 1 जो है बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप लोग चाहो तो आपके पास अभी 2 दिन है, आप एक एक दिन करके ब्लॉक को कम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक ब्लॉक में 3 चैप्टर और एक में 4 है, 7 चैप्टर आसानी से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन आते हैं, और ये एडवांस मैथ है, एडवांस लेवल के मैथ है, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा डरावनी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बुलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस हैं, और पार्टीशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इजी इजी सा क्वेश्चन होता है। एंड 50 मार्क्स के होते हैं, इसके पासिंग मार्क्स आपके हो जाते हैं 20, तो ऑब्वियस आप 20 नंबर तो आसानी से गेन कर पाओगे। तो जो पढ़ा लिख पढ़ा भी नहीं होता वो भी आसानी से 20 मार्क गेन कर सकता है। सो एंड ऑफ द वीडियो मैं कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।